जी सर, आप सर कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो? सर यूपी स्टेट से गोरखपुर जिला के हूँ, रहने वाला हूँ। और अपने बच्चे को स्कॉलरशिप वाला एग्जाम दिलाने आया हूँ पटना में, क्योंकि बच्चा आपके ही एकेडमी में जयपुर में पढ़ भी रहा है। और मैं सोचा एक नया एकेडमी यहाँ खुल रही है, तो बच्चे को एग्जाम भी दिला दूंगा। और वहाँ का माहौल, वातावरण, वहाँ के टीचर्स वगैरह सब देख भी लूंगा कि कैसा क्या है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत बेहतर, मुझे ही नहीं जितने गार्जियन आए थे, लगभग लगभग सब लोग संतुष्ट हैं। यहाँ का माहौल, यहाँ का रहन, यहाँ किस तरह का उनका पढ़ाने का और ये खाने पीने का सब देखे। हम लोग घूम घूम के टहल के पूरा देखे, बड़ी बहुत ही बेहतर व्यवस्था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर, जिससे वातावरण बहुत ही शांतिमय, और शिक्षा का माहौल जो होना चाहिए वह यहाँ है इस जगह पर, इतना बेहतर लगा। तो कुल मिला के आप क्या मतलब क्या कहना चाहोगे, कैसा मैं है? ये कहना चाहूँगा कि अगर बच्चे का विकास या बच्चे की पढ़ाई रिलेटेड अगर हम जागरूक हैं बच्चे के प्रति, तो यहाँ जो हमारा पटना में नया लक्ष्य एकेडमी जो खोले गए हैं इनका, इसमें अगर एडमिशन मिल जाए, बच्चे को एडमिशन करा लूँ, तो हमें लगता है कि हमारा बच्चे का जो हम अपना सपना जो देख रहे हैं बच्चे के प्रति, हमारा वो सपना पूरा हो जाएगा। बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिल जाएगा, बच्चा कंपटीशन बीट करने लायक हो जाएगा बढ़िया कंपटीशन में। और जयपुर का माहौल के अनुसार हमें लगा वहाँ के जो टीचर हैं, अनुभवी टीचर हैं, टीचर्स हैं, वो टीचर यहाँ भी वही टीचर्स हैं, तो हमें लग रहा है कि वहाँ से भी बेहतर बेहतर ही यहाँ करके लोग दिखाएंगे। आप बढ़िया, अभी भी इस समय भी शुरू नहीं है, और 13 फरवरी से शुरू हो रही है। और हमें लगता है कि बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिलेगी। हमने जो यहाँ का आने के बाद माहौल देखा, जो लोगों के यहाँ गार्जियन जो आए थे आपस में बात कर रहे थे, बच्चे एग्जाम अंदर दे रहे थे, ये लोग आपस में बात कर रहे थे, तो हम उनके बारे में अगल बगल खड़े होकर ऐसे सुने, लेकिन सबका देखा माइंड मेकअप किए, इतना अच्छा लोग बात कर रहे थे, बता रहे थे लोग कि वाकई में यहाँ सेंटर खुलने से हम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत मिली, जो दूर दराज जयपुर वगैरह जाना पड़ता था यही शिक्षा लेने के लिए, वही शिक्षा आज हमें पटना में अपने अपने अगल बगल में सेंटर खुला। और लक्ष्य एकेडमी जो है वही चीज, वही एजुकेशन हमें यहाँ दे देगी। इसी कामना के साथ गार्जियन भी आए थे और वहाँ का माहौल मेकअप यानी पूरा देख करके गए, और सब लोग संतुष्ट गए। ओके सर, सर आप कुछ कहना चाहोगे? सर सबसे पहले तो मैं गोरखपुर से चेतई प्रसाद पटवा आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं रहता तो यूपी के गोरखपुर में हूँ और मेरा भी बच्चा आपके लक्ष्य एकेडमी जयपुर में पिछले वर्ष मई में गया था, और पिछले 6 से 7 महीनों में बहुत ही अच्छा रिस्पांस उसका रहा, कि जो स्कूल के क्लासेज में बहुत कम मार्क्स लाते थे, लेकिन 6 7 महीने ऐसा उसका माहौल बना कि वो मतलब नॉर्मली तौर पर जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं बहुत अच्छे से वो कर लेता है, और एक जुनून उसमें भी पैदा हुआ है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। और जैसे कि ये सुना गया कि पटना में भी आप अगले साल एक कोचिंग सेंटर डालने वाले हैं, तो वो आज उसकी शुरुआत जो है आपने स्कॉलरशिप एग्जाम से कर ली है, और यहाँ के माहौल को देखने के लिए कि यहाँ कैसा माहौल है और यहाँ का वातावरण क्या है, पढ़ाई के लिए कैसा रहेगा,
इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम बच्चे को स्कॉलरशिप एग्जाम नहीं दिलवा रहे हैं।